हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ गणित में चैप्टर 7 के इंटीग्रल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है आई इज इक्वल टू समाकलन 1/e^(x-1) और dx। तो सबसे पहले वही काम यहाँ भी करेंगे, इस समाकल्य को पहले मॉडिफाई करेंगे ताकि पार्शियल फ्रैक्शन हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ एक काम करें, पुट कर लें इसमें e^(x)t, इसका डिफरेंशिएशन कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, dx बराबर ये हो जाएगा dt by dx इधर आएगा, dx को इधर शिफ्ट कर लिया है, यानी ex dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ से dx हमारा हो जाएगा 1/e^(x) और dt। अब e^(x) को हमने t रखा है तो इसके जगह पर t रख लेंगे, ये हो जाएगा 1/t और dt। अब यहाँ इसको dx के जगह पर रखेंगे तो I हमारा हो जाएगा समाकलन, dx के जगह पर रख लें 1/t, और यहाँ हो जाएगा e^(x) के जगह पर t हमने रखा है तो t-1 और dt। अब ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के योग्य बन गया है, यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो आइए लगाते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि 1/t (t-1) बराबर ये हो जाएगा a/t + b/t-1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t (t-1), इसको इसके साथ गुना कर लेंगे तो a(t-1) + ये हो जाएगा bt। सेम बी इस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, जो इसके पहला सवाल हमने बनाया था ठीक इसी टाइप का हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। तो ये और ये कट जाएंगे, इधर बचेगा हमारे पास एक, इधर बचा a(t-1) और प्लस bt। यहाँ एक बार रख लें t = 0, तो ये हो जाएगा एक, यहाँ से ये हो जाएगा a(0-1) और ये हो जाएगा 0, यानी यहाँ से a बराबर मिलेगा माइनस का 1। और एक बार पुट कर लें इसमें t = 1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 1-1 = 0, तो ये समाप्त हो जाएगा ये टर्म, ये हो जाएगा b, यानी ये b बराबर आ गया हमारा 1। तो अब यहाँ रख कर इसका समाकलन करेंगे और वापस से t के जगह पर हम e^(x) को रख देंगे। समाकलन 1/t (t-1) dt बराबर इधर हो जाएगा समाकलन a/t + b/t-1 dt, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये है। तो इसके समाकलन का मतलब है इसका समाकलन करना, a और b हम निकाल ही चुके हैं, तो बराबर यहाँ से हो जाएगा a के जगह पर -1/t और प्लस b के जगह पर 1/t-1 और ये dt बराबर। यहाँ से इसको समाकलन को अलग अलग करेंगे, बता रखा है प्लस माइनस साइन होने पर समाकलन हमारा बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा -1/t dt और प्लस ये हो जाएगा समाकलन 1/t-1 dt बराबर ये हो जाएगा -log t और प्लस ये हो जाएगा log t-1 + c। यहाँ से इस प्लस वाले को इधर लिखते हैं तो बराबर ये हो जाएगा log t-1, माइनस में ये है log t और प्लस c। अब यहाँ देखें ये है log m - log n, ये हो जाएगा log m/n, तो log t-1/t और प्लस c। अब वापस यहाँ t के जगह पर जो हमने प्रतिस्थापित किया था e^(x) को रख देंगे, यानी यहाँ t के जगह पर रख लें e^(x) और नीचे भी रख लें e^(x). तो ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये है x(dx)(x-1)(x-2). अब यहाँ क्लियरली देखें ये हमारा उचित परिमेय फलन है, ऊपर में x
का घात एक है और नीचे x की डिग्री 2 है, यानी ये उचित परिमेय फलन है। तो यहाँ हम सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन यह है एक्स बटे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर, यहाँ नीचे दो रैखिक बहुपद हैं तो इसके दो टुकड़े बनाएंगे, एक होगा ए बटे एक्स माइनस वन प्लस बी बटे एक्स माइनस टू। यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये एलसीएम हुआ, इसको और इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं और इसको तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, इधर बचा x बराबर ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। अब पूर्व की भांति a और b निकालना है, बस काम हमारा हो जाएगा। एक बार x के जगह पर रखेंगे 2x, एक बार x के जगह पर रखेंगे 2 और एक बार x के जगह पर रखेंगे 1। तो पुट करें यहाँ x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा LHS में x के जगह पर 1, यहाँ से ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2 प्लस यहाँ से b 1 माइनस 1, चूँकि x 1 रखा है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये 1 में से दू जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस a, यानी यहाँ से a बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब एक बार x बराबर 2 रख लें तो पुट करें इसमें x इज इक्वल टू 2, तो इधर LHS में रखेंगे 2, तो 2 बराबर इधर हो जाएगा 2 माइनस 2, ये a इंटू है x माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा इधर सिर्फ b इंटू 2 माइनस 1 बराबर b, 2 में से एक जाएगा 1, गुने b b होगा, यानी b हमारा आ गया है 2। अब बस यहाँ a और b को रखकर समाकलन कर लेना है, इसलिए जो समाकलन हमारा है x dx बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, समाकलन हम करेंगे a बटे x माइनस 1 और प्लस b बटे x माइनस 2 dx, समाकलन को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a बटे x माइनस 1 dx और प्लस ये हो जाएगा b बटे x माइनस 2 dx। ए हमने लाया है माइनस का 1, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 डी एक्स और प्लस बी हमने लाया है 2 एक्स माइनस 2 डी एक्स, यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे और 1 बटे एक्स माइनस 1 का समाकलन होगा लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस ये 2 बाहर कर लेंगे तो 1 बटे एक्स माइनस 2 का समाकलन होगा लॉग x माइनस 2 और प्लस c। अब यहाँ देखें ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको पहले लिखते हैं तो बराबर log x माइनस 2 और इस 2 को यहाँ पावर में शिफ्ट कर देते हैं, log की प्रॉपर्टी है ये पावर बन जाता है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस c। अब ये log m माइनस लॉग एन है, लॉग एम बटे एन, यानी आई हमारा होगा लॉग एक्स माइनस टू का स्क्वायर बटे मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी, और ये हमारा है आंसर। 23 हमारा है आई बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ उचित परिमेय फलन हमारा है, चूँकि ऊपर में चर x है ही नहीं, यानी x की डिग्री 0 है और नीचे x की डिग्री 3 है, यानी ये उचित परिमेय फलन है, साथ ही नीचे में एक रैखिक बहुपद है और ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी द्विघात बहुपद जिसका आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे सीधे, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1 बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
बराबर इस फॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखा है, ये होता है a बटे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। बस अब इसको सॉल्व करके a, b और c का मान निकालना है, इसको हल करें तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ ये इसमें गुना कर लें तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो जाएगा x इंटू बी एक्स प्लस सी, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा लेफ्ट साइड में एक, इधर बचा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। अब बारी बारी से यहाँ हमको चूँकि a, b और c का मान निकालना है तो सबसे पहले x बराबर रख लें इसमें जीरो, जीरो रखेंगे तो इधर एक है, यहाँ हो जाएगा a इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस एक, एक होगा यानी ये एक होगा और यहाँ ये हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू ये है जीरो हो जाएगा, a बराबर आ गया एक। अब यहाँ एक बार पुट कर लें x इज इक्वल टू माइनस वन, बता रखा है x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, तो इधर तो LHS में है एक, इधर हो जाएगा a इंटू माइनस एक का स्क्वायर एक होगा यानी एक प्लस एक और प्लस माइनस एक रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक और b x यानी माइनस बी और प्लस सी, ये हो जाएगा टू ए माइनस, इसको अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी और माइनस का सी, ए हमने लाया है एक वहाँ रख लें ए को तो ये हो जाएगा टू इंटू एक प्लस बी माइनस सी तो ये हो जाएगा टू प्लस बी माइनस सी, इस टू को इधर करेंगे तो वन माइनस टू बराबर बी माइनस सी यानी बी माइनस सी बराबर आ जाएगा माइनस का वन। अब एक बार एक्स के जगह पर रख लें एक, कुछ भी रख सकते हैं तो x बराबर जब एक रखेंगे तो इधर तो एक है बराबर ये हो जाएगा a इंटू एक का स्क्वायर एक तो एक प्लस एक ये हो जाएगा प्लस एक इंटू बी इंटू एक तो b ही होगा और प्लस c यानी ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। वापस से यहाँ a के जगह पर एक लाया है रख लें तो 2 इंटू एक प्लस बी प्लस सी और यहाँ से ये आ जाएगा b प्लस सी बराबर ये 2 हो गया है और इधर आएगा तो 1 माइनस टू बराबर माइनस का 1, ये b प्लस सी माइनस वन है और b माइनस सी माइनस वन है, दोनों को हल करेंगे b और c को निकालेंगे यहाँ रख कर समाकलन कर लेंगे तो b माइनस सी बराबर है माइनस वन और b प्लस सी बराबर भी है माइनस वन तो इसको प्लस कर लें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा ये 2b बराबर ये हो जाएगा माइनस टू तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा माइनस का 1, b आ गया माइनस वन। अब इसमें रख लें माइनस वन तो b माइनस सी बराबर है माइनस वन, b के जगह पर माइनस वन माइनस सी बराबर ये हो जाएगा माइनस वन, इस माइनस वन को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी बराबर हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा ये कट जाएगा जीरो यानी c हमारा आ गया जीरो, तो c जीरो आ गया, a एक है और b हमारा माइनस का वन है, यहाँ रखते हैं समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a बटे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर यहाँ से a के जगह पर रख लें एक बटे एक्स प्लस b के जगह पर रख लें यहाँ b हमारा आया है माइनस वन इंटू एक्स और प्लस c के जगह पर जीरो बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक बटे एक्स डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब बारी बारी से इसका समाकलन, इसका समाकलन करना हम लोग जानते हैं, करते हैं इसका समाकलन तो इसका समाकलन होगा एक बटे एक्स डी एक्स बराबर लॉग x, समाकलन कांस्टेंट फाइनल रिजल्ट में एक बार लगा देंगे, इसका समाकलन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर t रखा जाए तो हमें x dx मिलेगा, तो यहाँ पुट कर लें
इस पूरे चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी और इसका डिफरेंशिएशन कर लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स और एक का हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा डी टी। यहाँ से हमको मिलेगा एक्स डी एक्स बराबर हाफ डी टी। अब यहाँ पर एक्स के जगह एक्स डी एक्स के जगह पर हाफ डी टी रखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हाफ डी टी समाकलन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा है टी, तो एक बटे दो को बाहर कर लें, यहाँ बचेगा एक बटे टी डी टी बराबर हाफ लॉग टी बराबर ये हो जाएगा हाफ लॉग और टी के जगह पर रख लें एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका समाकलन ये रहा, इसका समाकलन ये रहा, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर इसके जगह पर लॉग एक्स माइनस इसके जगह पर हो जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी, और ये हमारा है आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सॉल्यूशन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।